दस बनावरपुर टीम के खिलाड़ी प्रवेश करते हुए मैदान में खूबसूरत जर्सी में बॉल को धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसी देर में हमारे बीच तमाम अतिथि जुड़ेंगे फाइनल राउंड सामना होगा उनका चरण प्रदर्श गोविंदपुर के साथ शुरुआत हो चुकी है इस समय आयन ब्रदर्स के पास बॉल शुरुआती क्षण जो है प्लेयर थोड़ा सा समय लेते हैं बॉडी को गर्म करने के लिए आ लेंगे लंबा पास खेलना है साथी खिलाड़ी को आयन ब्रदर्स के पास बॉल है पास लंबा खेले नियंत्रण में नहीं दे पाया शॉट चारों ओर दर्शक बैठे हुए मौका बन सकता है और ये ग्रास शॉट खेलने की कोशिश की थी लेकिन बॉल को उछाले ना कुछ किया थोड़े से थोड़ा सा धैर्य रखे उनका इशारा तमाम खिलाड़ियों को अपने साथी खिलाड़ियों को एक मौका हो सकता है ला के बाद एक तरीके से बैकअप करने की कोशिश की थी आयन ब्रदर्स की टीम मनोरपुर कोई खिलाड़ी हुआ मौजूद नहीं डी जोन के पास बॉल है खतरा हो सकता है लेकिन डिफेंडर आराम से खेलते हुए एफसी शाहकुलिया ऑफ साइड एफसी शाहकुलिया पीले और डीप ब्लू जर्सी में बॉल इस समय आयन ब्रदर्स के पास मनोरपुर की टीम डिफेंडर बहुत ही बढ़िया हेड के जरिए निकाले बॉल को दर्शक चाहते हैं कि खेल बढ़िया और एक मौका फिर से बनता हुआ यहाँ करो या मरो की स्थिति है दोनों टीम की अब थोड़ा सा मूड बनता हुआ दोनों ही टीम के खिलाड़ियों का फाइन पर के पास बॉल दूसरा से विमान चल रहा हुआ मैच रेफरी मिस्टर संजय बॉल इस समय पॉम्साई एफसी से अप्लिया माफ कीजिएगा आयन ब्रदर्स के पास डिफेंडर तीन नंबर के उछाला बॉल को पूरा तेज गति से खतरा मोल लेना नहीं चाहते हैं क्रो मिलेगा इस समय एफसी चापुलिया को बैक टू पास अच्छा सुंदर बैक टू पास कला चार नंबर के खिलाड़ी नियंत्रण में नहीं बॉल को सुंदर पास तेज गति से 10 नंबर के खिलाड़ी ओम साई एफसी चापुलिया बैक टू पास अच्छा तालमेल बनाकर खेल रहा है सुंदर चीज किया है और रनिंग बॉल जब रहती है तो उसे बहुत जल्दी के साथ खेलनी होती है हालांकि बहुत ही हल्का किक किया था टारगेट में नहीं रह पाया दर्शक उत्साहित
दोनों टीम के। पहले आपका खेल चलता हुआ गोल इस समय मनपुर मनपुर के पास मनपुर आयन पर पास से चाप लिया। 10 नंबर के खिलाड़ी पास देना है डिफेंडर हेड के जरिए बॉल को निकालते हुए आयन ब्रदर्स मनपुर के पास बोल रहे इस समय आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए सभी खिलाड़ी को रूम बनाते हुए खेल रहे हैं। फिर से तालमेल बनाते हुए कोई मौका नहीं दे रहा है करीब हो सकता है और इस टीमिया के साथ बता दें कि सूझबूझ का खेल है फुटबॉल। दोनों ही टीम चाहेंगे कि सूझबूझ का इस्तेमाल करें और इस समय मौका बनता हुआ नजर आ रहा है लेकिन टारगेट में नहीं रह पा रहे हैं। डिफेंडर मौजूद 8 नंबर के खिलाड़ी आयन ब्रदर्स मनोहर थोड़ा सा दबाव बनाए और ये कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं कॉर्नर एक मौका आयन ब्रदर को किक के जरिए अच्छा चिप किया है और डिफेंडर बिल्कुल आराम से निकालते हैं बॉल को। सुंदर तरीके से जीत किया था लेकिन समझ नहीं पाए टारगेट में बॉल को नहीं रख पाए लेकिन अटैक करने की कोशिश जरूर की थी। यही कोशिश होनी चाहिए थोड़ा सा तेज गति नहीं बन पा रही है दोनों टीम के खिलाड़ी। बॉल इस समय एफसी चापुलिया के पास अच्छा पास के लिए लेकिन डिफेंडर बहुत ही जबरदस्त खतरा मोल नहीं लेना चाहे तो मिलता हुआ एफसी चापुलिया येलो और ब्लू जर्सी में बॉल उनके पास चापुलिया टीम आयन ब्रदर्स के पास बॉल है कोई खिलाड़ी नहीं है धीरे धीरे बॉल को नियंत्रण में लेते हुए चल रहे हैं। अच्छा पास करीब हो सकता है मौका हेड बॉल वहां बैच रेफरी मिस्टर संजय जी और बाबूदा फाइन पर बॉल को टैकल करते हुए सुंदर पास लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन डिसाइड शॉट दर्शकों बता दें स्वर्गीय चरण कच्छप मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का 3 दिवसीय चलता हुआ दूसरा सेमीफाइनल आयन ब्रदर्स मनोहरपुर की टीम ब्लैक व्हाइट और लाइट ग्रीन लाइट ब्लू कलर की जर्सी में
और आयन ब्रदर्स ओम साई एफ सी चाकुलिया येलो और बिग ब्लू की जर्सी में बराबरी पर है। पहले आपका खेल चलता हुआ, इस समय बॉल थ्रो मिलेगा यहाँ आयन ब्रदर को। और यह चाहेंगे हम दर्शक दीर्घा में जो भी हमारे फुटबॉल के चाहने वाले युवा भाई पुरुष वर्ग कृपया महिलाओं को जगह देने की कोशिश करेंगे। इस समय 11 नंबर के खिलाड़ी रिसीव करने की कोशिश की थी, इसी तरीके से रिसीव किया बॉल एन बरे के पास, इस समय बैकअप किया। पुनः बात को दोहराना चाहेंगे कि दर्शक दीर्घा में जो भी हमारे युवा भाई बैठे हुए हैं कृपया महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए जगह देने का कष्ट करेंगे मंच के माध्यम से। और राइट साइड में जो भी दर्शक बैठे हुए हैं दर्शक दीर्घा में कृपया करके महिलाओं को जगह दें, उन्हें प्राथमिकता दें। पश्चिम दिशा राइट साइड के गोल पोस्ट के दर्शक दीर्घा में जो भी हमारे युवा भाई बैठे हुए कृपया महिलाओं को सम्मान देते हुए उनको भी सीट प्रदान करें। आप थोड़ा सा जगह काइंडली दें यहाँ से। और कभी कभी मैदान जो है साथ नहीं देता खिलाड़ी का, खमियाजा भुगतना पड़ता है, नियंत्रण में नहीं पाया, पैर को संतुलन बिगड़ा, उसका फायदा मिला या आयन ब्रदर को चिप किया है अच्छा। और ग्रास और गेंद खेलने की कोशिश की थी, पता नजर नहीं आई अभी तक। डिमांड कर रहे हैं यहाँ कॉर्नर का, लेकिन काफी अनुभवी संजय दा यहाँ बाबू दा उर्फ मैच ने अभी पहले आपका खेल चलता हुआ दोनों ही टीम बराबरी पर। जो भी टीम जीतेगी चरण ब्रदर्स गोविंदपुर के साथ फाइनल मुकाबला उनका होगा। अच्छा निकाला बॉल को यहाँ तेज गति से पढ़ाते हुए बॉल को धीरे धीरे बढ़ाते हुए सूझबूझ के साथ। और एक शॉट हो सकता है लेकिन फिर से उछाला वहां बॉल को उछाल नजर आई। कभी कभी नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं बॉल को, टेक्निक की काफी जरूरत होती है। फायदा लेना चाहते थे शूट के जरिए साइड पर अगर के खिलाड़ी से एक बार दबाव बनाने की कोशिश यहाँ आयन ब्रदर के पास बोल है अच्छा चेक किया वहां डिफेंडर काफी चुस्त दुरुस्त वहां। कोई मौका नहीं दे रहा वहां शॉट करने के किक करने के लिए, लेकिन एक लगातार प्रयास तो पास हेड के जरिए पास खेला है साथी खिलाड़ी को। और आराम से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन हालांकि यदि डिफेंडर से चुकता तो जरूर कुछ हो सकता था। अभी भी आयन ब्रदर्स के पास बोल रहे हैं सुंदर बार बार अटैक करने की कोशिश, लेकिन ऐसे ड्रॉप बॉल को संभाल नहीं पाए। ध्यान देंगे लेफ्ट साइड में गोल पोस्ट के सामने जो भी वॉलंटियर्स हैं जानवरों का प्रवेश ना हो। पहले आपसे खेल चलता हुआ
सामना हो रहा है एंड ब्रदर्स वर्सेस ओम साई एफसी चाकुलिया के बीच। आइए खूबसूरत जर्सी में इस समय एंड ब्रदर्स के पास बोल है, साथी खिलाड़ी को पास खेला सुंदर, बार बार अटैक करने की कोशिश, एक दबाव बनाए हुए हैं यहाँ चाकुलिया के ऊपर और ये खिलाड़ी वहां मौजूद है, तो बैक टू पास खेला था, मौका बन सकता था यहाँ। थ्रो मिलता हुआ फाइन ब्रदर को, मनोरपुर की टीम अच्छा दबाव बनाया हुआ, हालांकि गलत पास खेला यहाँ, दोनों टीम का भी जोरदार पानी, इस समय बॉल मिलता हुआ चाकुलिया दो लेगन डिफेंडर दो नंबर की जर्सी में अच्छा खेले अभी तक, सूझबूझ के साथ खेलते हैं, नौ नंबर के खिलाड़ी पास खेला है, आयन पर अगर दबाव बनाने की कोशिश बनाए भैया, आयन ब्रदर मनोहरपुर चिप किया, फिर से एक बार मौका हो सकता है हेड के जरिए, सुपर गोल खूबसूरत और यही बार बार चाहते थे खिलाड़ी कि मौका जो है मिले बने पर बनाने की कोशिश, धैर्य रखने की कोशिश थी और इसी का फायदा यहाँ मिलता हुआ, पाला आपका खेल पहले गोल से आगे, फाइन बनाकर मनोपुर की टीम चाकुलिया के ऊपर भारी बढ़ते हुए, मध्यांतर से पहले यही उम्मीद तमाम दर्शकों को थी, एक गोल से आगे प्रशंसक उत्साहित, संजय जी और पहला आपका खेल की समाप्ति की घोषणा या विजिट के जरिए मनोबल में कभी जरूर नजर आएगी यहाँ, क्योंकि अंतिम समय में पहले आपके अंतिम समय में ये गोल होना थोड़ा सा नाखुश करता है, जो भी टीम हारेगी तीसरी पोजीशन के लिए दोनों ही टीम तैयार रहेंगे, इस खेल के तुरंत बाद दूसरे सेमीफाइनल के तुरंत बाद उनका खेल होगा, रिक्वेस्ट करते हैं मंच के माध्यम से दोनों ही टीम के कैप्टन को, जो भी टीम हारेगी तीसरे राउंड के लिए अपनी टीम को तैयार रखेंगे, रनर टीम व्हाइट ब्लू जर्सी में आयन ब्रदर्स की टीम, शुरुआत दूसरे आपका करार दिए हाथ से, थोड़ा सा अलग रहने की कुछ बचने पाएंगे बाबूदा से, मैच ने अभी काफी अनुभवी है, टाइम ब्रदर एक गोल से मनोबल बढ़ा हुआ है उनका, एक गोल से आगे है वो इस समय उनके पास, कॉर्नर के रूप में एक मौका रखेंगे फिर से, एक गोल से इजाफा किया है या अपने टीम के लिए चाकुलिया, टीम के पास बॉल इस समय, चाहते हैं कि किसी तरीके से बैकअप करें, खेल के जरिए बराबरी भी करें, और ये नए खिलाड़ी 13 नंबर की जर्सी में बहुत ही सुंदर तरीके से पास करने की कोशिश, लेकिन रूम नहीं बना पाया वहां, डिफेंडर के पास बॉल, खतरा बॉल लेना नहीं चाहते हैं, थ्रो मिलेगा चाकुलिया टीम को, मौका था यहाँ
लेकिन 10 नंबर के खिलाड़ी मौका तो जीत में गोल में तृप्ति भी नहीं कर पाए। रोहित भाई वहां समय दे रहे हैं, रोहित राइजिन सेकंड रेफरी के रूप में मैच में, धन्यवाद देते हैं बहुत समय निकालने के लिए। और ये अच्छा कोशिश था आक्रमण, यही सूझबूझ बना के खेलना होगा, वापसी यदि करनी है तो एक गोल से पीछे है। सुंदर पास खेला यहाँ आयन ब्रदर के पास, बोल है अच्छा पास, फिर से एक मौका बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। टच लाइन पार थ्रो मिलेगा आयन ब्रदर को, माफ कीजिएगा थ्रो मिलेगा आयन ब्रदर को, एक गोल से आगे है। जो भी टीम क्वालिफाई करती है चरण ब्रदर्स गोविंदपुर के साथ खेलेगी फाइनल। इसी तरीके से बॉल को बाहर किया लेकिन कोई साथी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं, चकुड़िया के पास बॉल है 11 नंबर के खिलाड़ी, गलत तरीके से पास खेला, फिर से एक बार आयन ब्रदर के पास बॉल, मनोबल बढ़ा हुआ है यहाँ, एक गोल से आगे है, टारगेट में रखने की कोशिश थी लेकिन दूर से ही किक किया। 13 नंबर के खिलाड़ी चकुड़िया के पास खेला साथी खिलाड़ी को, अच्छा रूम बनाया लेकिन गति में थोड़ी सी तब्दीली लानी होगी। चार ओवर तमाम दर्शक मौजूद इस खेल को देखने के लिए, अच्छा बैक टू पास मिला यहाँ और ये सूझबूझ के साथ उसी टेक्निक अपनाते हुए आयन ब्रदर के खिलाड़ी, बिल्कुल आराम से और कोई जोखिम ना लेते हुए पास करते हुए साथी खिलाड़ी को, अच्छा रूम बनाया है। बहुत सुंदर थोड़ा सा शांति का माहौल यहाँ नजर आ रहा है इस समय क्योंकि आपका खेल चलता हुआ एक गोल से आ गया आयन ब्रदर की टीम, समय धीरे धीरे निकलता हुआ, थ्रो मिलेगा चकुलिया टीम को, वापसी करने के लिए जबरदस्त खेल दिखाना होगा या कारनामा दिखाना होगा कुछ। एक गोल से पीछे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं डिफेंडर, और मंच के ऊपर मिस्टर रोहन पूरी खेल को कंट्रोल कर रहे हैं, कैद कर रहे हैं अपने कैमरे के जरिए। रोहन भाई बहुमूल्य समय देते हुए लाइव, इस समय बोल
फॉल करार दिया थोड़ा सा हाथ से, बच नहीं पाएंगे बाबूदास से। और संजय जी मनोहर से मैच रेफरी मिस्टर काफी समय से यहाँ रेफरी रह चुके हैं। अच्छा मौका है अपने टीम को दिशा में परिवर्तन करने के लिए। 1-0 से बढ़त बनाई हुई है। काफी अच्छा ग्रीटिंग मोटू मातो के द्वारा, बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। दर्शक सभी खिलाड़ियों का ताली मारकर हौसला अफजाई करेंगे। हम देख रहे हैं काफी देर से अच्छे खेल खेल रहे हैं लड़के, मगर ताली नहीं बजाया जा रहा है। चाहूंगा कि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। चुनू जी तालियां तब बजाएंगे, आप बता रहे हैं कि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, और तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। वैसे तो ताली जो फील्ड पे नहीं बजाएंगे वो ट्रेन में जाके बजाएंगे। चलिए हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार दोनों ही टीम की तारीफ करने को चुनू जी कि अच्छा टीम का प्रदर्शन किया है। यहाँ कॉम्पिटिटिव मैच है, सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं। एक शानदार हेडर के जरिए गोल, बड़ा मैं बढ़त बनाई। देखना होगा इस काउंटर अटैक को गोल बुना पाते हैं कि नहीं। भीम के पैरों में गया और ये ही बहुत ही गलत शॉट और दिशाहीन, क्रॉसबार से ऊपर चल गए। गोल किक का मौका, चकुलिया की टीम देखना होगा अपने समांतर के गोल को वे कब तक ला पाएंगे। 10 नंबर के खिलाड़ी साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए, मगर बहुत खराब पास, साथी खिलाड़ी को ढूंढने में नाकाम। छोटे के पैरों में बॉल, छोटे साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए देखना होगा। धीरे 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 बढ़ते हुए और काफी अच्छा पास सूरज के लिए। सूरज ने मौका दिया छोटे को, छोटे ने ये लॉन्ग किक किया हिमांशु के लिए। हिमांशु ने बॉल रिसीव किया, देखना होगा वे साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए। और ये दिशाहीन, सूरज के लिए खेले थे मगर सूरज पास को रिप नहीं कर पाए। गोल किक का मौका चकलिया की टीम को। और ये फ्री किक का मौका, ट्राई टू टेकिंग डेंजरस पावर प्ले इज इनडायरेक्ट फ्री किक। जर्सी नंबर 7 के खिलाड़ी फ्री किक, इनडायरेक्ट फ्री किक लेंगे। देखना होगा लॉन्ग पास के जरिए, बहुत ही अच्छा हेडर्स के लिए रहे माथो का। और पर कॉर्नर किक का मौका मिलेगा चकलिया के खिलाड़ियों को। देखना होगा इस कॉर्नर किक, हाफ गोल मानी जाती है वैसे, वे फुल गोल में कन्वर्ट कर पाते हैं नहीं। लंबे कद के खिलाड़ी गोल करने के लिए गोल पेनल्टी रेखा के बगल में और शानदार क्लियरेंस मातो का। मातो ने बॉल छेड़ा और हिमांशु ने काउंटर करने का मौका नहीं चूकेंगे। काफी अच्छा स्किल और हिमांशु ने खेला महेश को, महेश मिडफील्डर हैं। भीम के लिए भीम साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए, छोटे को छोटे पुनः भीम के पैरों में बॉल, बहुत ही अच्छा ग्रास पास। करण के पैरों में बॉल,
पुनः छोटे के पैरों में बॉल, काफी अच्छा पासेस और ये रॉन्ग पास जर्सी नंबर 8 के खिलाड़ी चकलिया के ढूंढते हुए अपने एटकर को नाकाम और थ्रो इन का मौका आयन ब्रदर्स के खिलाड़ी को। एयर टू में जो हमारे असिस्टेंट रेफरी हैं वे रोहित देराई अपना सीनियर देते हुए थ्रो इन का मौका आयन ब्रदर्स के खिलाड़ी को फ्लिक किए मगर कोई खिलाड़ी नहीं। छोटे छोटे पास काफी अच्छा स्किल दिखाने का प्रयास था मगर नाकाम और ओवर पिचिंग में बॉल पार। चार नंबर के डिफेंडर साथी खिलाड़ी को ढूंढने में सक्षम। सात नंबर के खिलाड़ी पुनः बॉल देख रहे थ्रू पास के लिए लॉन्ग पास के जरिए और ये काफी अच्छा और ये कार्ड हो गया। आप से पहले संयम बनाए रखें और अपना जुबान में भी कंट्रोल रखेंगे। येलो कार्ड हुआ है, दूसरा येलो में फिर बाहर भी हो जाइएगा। संयम रखें, आपको टीम को अगर समांतर में लाना है और ये आपका गलत व्यवहार के लिए आपको रेड कार्ड कर दिया, आप बाहर जाइए तुरंत। आपने उनका मना करने के बावजूद उनको बहुत गली गलौज किया। निश्चित रूप से सुनो जी, ये खेल में एक जो खिलाड़ी वेट कर रहे हैं, खिलाड़ी बाहर नहीं गए हैं, स्प्लिट करने के स्प्लिट भावना होनी चाहिए खिलाड़ी की, जिसका खमियाजा यहाँ भुगतना पड़ता है। आप जर्सी निकाल के बैठेंगे, जर्सी नंबर 6 खिलाड़ी जिन्हें रेड कार्ड मिला है और अब अपना ड्रेसिंग जहां पर भी है गाड़ी या फिर आप रखे हैं वहां चल जाएं, वहां पर बैठे नहीं। कमेटी के लोग जाएंगे उनको साइड करेंगे, कमेटी के लोग जाएंगे जर्सी नंबर 6 के खिलाड़ी जिन्हें रेड कार्ड मिला है ग्राउंड के आसपास बैठने नहीं दें। मेरी आवाज अगर कमेटी मेंबर तक पहुंच रही है निश्चित रूप से गोल से आगे हैं ब्रदर के खिलाड़ी, थोड़ा सा दबाव बनाए चॉकलेट के ऊपर। एक बार स्वागत अभिनंदन तमाम दर्शकों का। आयन ब्रदर की टीम के पास बोल है इस समय, साथी खिलाड़ी पास खेला है। सुनील जी देखना होगा कि क्या कारनामा कर पाते हैं फिर से चाकुलिया की टीम। हालांकि समय काफी, एक और मौका हो सकता है यहाँ बचता हुआ और ये शानदार दूसरा गोल का बढ़त बनाते हुए आयन ब्रदर्स के खिलाड़ी। जोश लाए चकलिया के खिलाड़ी, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, आप लोग भी तेजी दिखाएं, आप भी कर सकते हैं।
चलिए दो गोल से बढ़त बनाते हुए यहाँ आयन पुरातन टीम के खिलाड़ी चाकुलिया क्या कारनामा करती है, बैकअप कर पाती है कि नहीं देखना होगा। समय निकलता हुआ धीरे धीरे यहाँ फिर से एक बार बोल आयन पुरातन के पास पास खेला है साथी खिलाड़ी को लंबा बैकफुट पास दो गोल से बढ़त बनाए हुए यहाँ आयन बरदर के खिलाड़ी 11 नंबर के साथी खिलाड़ी पास करता है 13 नंबर की जर्सी में प्रो मिलेगा फिर से एक बार 2-0 से आगे है चोरू जी 5 मिनट पहले की बात करें तो जिस तरीके से येलो कार्ड के बाद रेड कार्ड दिखाया गया खिलाड़ी को एक स्पीड की भावना रहनी चाहिए अब क्या कहेंगे इस पर चेतावनी दिया कि आप अपने भाषा में सही रखें और खिलाड़ी उस चीज को भी मेंटेन नहीं कर पाए कंटिन्यूसली करने लगे जिनको इंसल्टिंग अब्यूजिंग के चलते उन्हें रेड कार्ड दिया गया उनको टीम में जरूरत था उनको संयम रखना चाहिए था वो काफी अच्छे खिलाड़ी थे बीते मैचों में वे काफी अच्छा स्कोर और अच्छा खेल दिखाए थे उनको निश्चित रूप से चर्चा करेंगे चुनू जी इस समय बोल जो है फाइन बरदर के पास पीछे है देखना ये दो गोल से आगे है और सीधे गोलकीपर के पास और ये गोलकीपर का अच्छा प्रैक्टिस और इस प्रकार समय की समाप्ति दोनों ही टीम के अच्छे खेल दिखाए।